BA MA फिर बेकार सट किताबा चकन हथियार तोबा मेरी अस्तगफार तो बात करना नहीं है। मिस्टर चार्ली हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा अच्छे फनकार हैं और इस मुश्किल वक्त में भी ये लोगों के फेसेस पर मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे फनकार हैं और बहुत जबरदस्त इंसान भी है। क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बात कर रहे हैं। मेरा ही है इनका, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो वैसे मेरे दोस्त हैं कि यहाँ पे आपका टॉपिक था महंगाई के बारे में और हालात के बारे में बात कर रहे थे। अक्सर मैं पॉलिटिशियन के बारे में मतलब बात नहीं करता, लेकिन आजकल के जो मौजूदा दौर जा रहा है ना, इससे मैं दो जुमले कहना जरूरी समझता हूँ कि ये आज का दौर नहीं, 1947 से लेके अब तक यही दौर हमारा चल रहा है और हम पिस रहे हैं। किस दौर में कि औखी होगी किस्मत खोटी, डेढ़ औंस की रह गई रोटी, भरिया ठूठा बन गई लंगोटी, दर दर मंगते करण सवाल, तौबा मेरी इस्तगफार, रिक्शे बसा पहाड़े वग गए, खुशियां घटियां हारे वग गए, घर च चीख चिकारे वग गए। रिक्शे बसा पहाड़े वग गए, खुशियां घटिया हाड़े वग गए, घर च चीख चिकारे वग गए, रोण ने आने जारो जार, तौबा मेरी इस्तगफार। ए गोश्त आखे हाथ न ला, ए गाला कहंदिया परे नु जा, कणक नहीं तू तूड़ी खा, मन ला बंदिया अपनी हार, तौबा मेरी इस्तगफार। एक पासे महंगाई मारे, नौकरी मिलनी हो दुश्वार, BA MA फिर बेकार, सट किताबा चकन हथियार, तौबा मेरी इस्तगफार। तो बात करना चाहता हूँ ये 1947 से लेके अब तक ये जो दौर हम तो पिसने वाले हैं। भाई जो भी हुक्मरान आएगा वो हम गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला की जात जो है ना हमें ऐसा हुक्मरान दे, हजरत अली जैसा, उस्मान गनी जैसा, जो आप कम खाए और आवाम को फायदा ज्यादा दे। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि FK मीडिया प्रो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखना आपका होस्ट आपका मेजबान फरहाद खान। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। लास्ट पे सिर्फ एक मैसेज चाहूँगा, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे महंगाई तो वैसे साहिब सरवत लोगों को फील होती है, आप तो साहिब सरवत लोगों को फील नहीं होती, जो स्पेशली मिडिल क्लास लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फील होती है। आप पूरी बात मेरी सुन लें जी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रोड फनकार जी जी रोड फनकार आर्टिस्ट हूँ और मैं मुश्किल से मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो है ना इस्लामाबाद की आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे घर के खराजात चल रहे हैं। बाकी रही बात ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े ताजर, इस हालात में आप मिडिल तबके की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, हाई तबके वाले लोग जो है ना वो भी रात को रो रहे होते हैं कि यार क्या क्या क्या, ठीक है, ये हालात मुझ पर ना छोड़ें, ये पूरे पाकिस्तान के हालात प्राइमरी से लेके हाई तबका सारा हर बंदा रो रहा है। क्योंकि जब ये हालात दुरुस्त होंगे, ये नीचे से ऊपर तक दुरुस्त होंगे तब, ऊपर से नीचे तक होंगे तब दुरुस्त। और जितने ये बड़े टिकटॉकर हैं, राजा वसीम, ये मैं नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है राजा वसीम के नाम से। तो इनकी नज़र पहले मैं इनकी नज़र करता हूँ, ऑडियंस की नज़र, तो दिलजल यार दे छे आया, तो दिलजल यार दे छे आया, फिर अनपढ़ की अनपढ़ की अनपढ़ की दिलजल यार दे छे आए, फिर अनपढ़ की अनपढ़ की अनपढ़ की मुक्का दे विच तान तमूरा, फिर तण तण की तिण तिण की तुण तुण की जानजर यार दी छणक मरे दी, फिर छण छण की छिण छिण की छुण छुण की वारस शाह जब मीर अहमद पैंदा, फिर कण कण की किण किण की कौन कौन की। ये है राजा वसीम, टिकटॉकर पूरी दुनिया जानती है। और रही बात आप, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अपने टाइम देने का।